Well, early morning discussion regarding this Congress party has already brought a big twist where Amethi people were actually eagerly waiting for Rahul Gandhi to contest here from Amethi, the bastion seat for Congress. Well, we are currently present here in Amethi, and let's have a around people what actually they need to say, the ground report from people out here after declaration that Congress has fielded now KL Sharma from Amethi and now Rae Bareli has gone towards Rahul Gandhi. What actually people need to say here, let's have a look towards it. Dekhe, जिस तरीके से अभी कंफ्यूजन एक हमेशा क्लियर हो गया है, लोग यहाँ की जनता, अमेठी की जनता क्योंकि गढ़ रहा है, और जब हम अमेठी की बात करते हैं तो रायबरेली की भी बात भी करते हैं, अब यहाँ पर केएल शर्मा जी को उतार दिया है, अब किस तरीके से पूरा इलेक्शन आप लोग देख रहे हैं? तरफा इलेक्शन है मैडम, केएल शर्मा को एक बच्चा को भी पूछेंगे ना, बड़े तो छोड़ दीजिए, बच्चे को पूछेंगे उनको भी पता नहीं है। राहुल गांधी जो छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा है उसको पूछेंगे कौन है तो बता सकता था। तो वो जो गढ़ अमेठी का गढ़ था उन्होंने अमेठी के गढ़ को तोड़ दिया है, अब अमेठी में गढ़ बचा नहीं, अब बीजेपी का गढ़ है। अब स्मृति ईरानी एक तरफा चुनाव जीतेंगी और उनको अब कोई हरा नहीं सकता, और पूर्ण बहुत 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 ओटों से जीतेंगी वो। अब वो जो रायबरेली भाग के गए हैं, उनका भागने के जो सब बोलते थे ना भागने वाला, तो किशोरी लाल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लॉयल वो भी रहे हैं कांग्रेस परिवार के लिए, वो रहे हैं। देखिए रहना और एक छवि बनाना, अब वोट के लिए छवि बनाना अलग होता है मैडम, वो रहे कार्यकर्ता ऐसे तो 30-30 साल पुराने कार्यकर्ता पड़े हुए हैं, उनको कोई जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है, कोई पहचान नहीं बनी है हमें, मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है मार्केट में हो भाई पहचान बनी हो, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी कोई पहचान ही नहीं है। यही अगर दीपक सिंह को दिए होते, वो बहुत बड़े एक MLC रह चुके हैं यहाँ के, और पूर्व MLC और कांग्रेस का एक बड़ा नाम युवा चेहरा है, अधिकतर सारे युवा भी जानते हैं, युवा बुजुर्ग भी जानते हैं, सबसे उनका उठना है बैठना है सब चीज़ है, लेकिन उनको भी नदी, उनको इनको तो कोई जानता ही नहीं है। हमारी दुकान पे भी आज तक किट्टू की चाय की दुकान पे भी कभी चर्चा ही नहीं हुई ऐसे व्यक्ति की। आप अमेठी से ही वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है राहुल का अमेठी छोड़ के भाग जाने के पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप? डर गए वो, हो सकता है हार की वजह से डर गए वो, पहले वायनाड, फिर कंफ्यूजन अमेठी को लेकर, फिर रायबरेली को लेकर के भी कंफ्यूजन है, वहाँ जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये भी है, हो सकता है यही छवि बनी रहेगी तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, और आने वाले समय के लिए जैसे बोलते हैं ना वहाँ नीतीश कुमार पलटूराम में ऐसा इनका छवि हो जाएगी। अगर यहाँ रुकते बहुत कांटे की टक्कर होती, उतार चढ़ाव बहुत होते, हो सकता है जीत भी सकते तो हो सकता है हार सकते। ऐसा घर छोड़ के कोई जाता नहीं, अगर चले गए हैं उनको वापस आना चाहिए, अपना बहुमत साबित करना चाहिए, हाँ मैं हूँ गया नहीं हूँ, जैसे बोलते हैं अमेठी मेरा घर, कहाँ से घर मान लूँ। अब स्मृति ईरानी ने घर भी बना लिया, अब स्मृति ईरानी का घर है, यहीं रहती भी हैं, यहाँ से सबके जन सुनवाई भी करे। इन्होंने ना चलो एक बार सभी जितने कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो सोचते नहीं आए थे, नहीं आए कुछ कारण, बस हो सकता है माफ़ी मांग लेते, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है माफ़ कर देते मैडम उनको, लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनको माफ़ी नहीं किया वो तो और माफ़ी के लायक भी बचे भी नहीं, जो भी कांग्रेस की जो गांधी परिवार की थोड़ी बहुत छवि बची थी वो भी मिट्टी पलीत कर दिया उन्होंने, अब कुछ बचा नहीं है। आने वाला समय जो दो उत्तर प्रदेश से 2 सीटें कन्फर्म होती थी वो भी विलुप्त में चली गई है मैडम, ये लिख के बोलिए कागज़ में दे दूंगा। अमेठी तो छोड़ दीजिए, वो जमानत जब्त हो जाएगी शायद, मुझे लगता है अब तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 सीट पक्की मानी जा रही थी इंडी गठबंधन के बाद भी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को दी थी, जिसमें कह सकते थे रायबरेली और अमेठी तो कहीं नहीं गया, लेकिन उसमें भी अब मिट्टी पलीद आपने सही, अब कुछ भी नहीं, यहाँ से रायबरेली से भी नहीं पाएंगे, और यहाँ से तो चलो जो था थोड़ा बहुत आशाएं थी, लोग आशाएं लगा के रखे थे कि ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन वो मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अब जो अब तो इनको शायद कोई जानता ही हो, या अब जो आए हैं अभी, आप जाइए नामांकन शायद जो करेंगे आप देख लीजिए कितने लोग वहाँ बैठे होंगे, कितने लोग जाएंगे, उनके खुद कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, खुद उनके कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, और तो छोड़ दीजिए मैडम जी कोई उनके खुद के कार्यकर्ता नाराज़ हो गए हैं, जो इतने 5-5 दिन से मैं तो चाय बना के दे रहा हूँ, 5-5, 6-6 दिन से आके बैठे हुए हैं, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे मेरे प्रभु आ जाएं, उनको भगवान भी मान रहे थे बहुत लोग, जो बिहार वहार से 3-4 लोग आए हुए थे, 2-3 तो ऐसे झंडा वंडा पहन के घूम रहे थे 4-5 दिन से, भैया आएंगे राहुल गांधी, आशा लेके वो आशा तोड़ दिया, हमेशा आशा तोड़े हुए हैं। वेल देविका, लेट मी ऑल्सो क्लियर, बिकॉज फ्रॉम येस्टरडे आई वॉज कॉन्टिन्यूसली बींग टॉकिंग अबाउट दैट पीपल आर वर वेरी मच एंथुसियास्टिक रिगार्डिंग राहुल गांधीज नेम हेयर फ्रॉम Amethi, ऑल्दो कांग्रेस हैज फील्डेड KL शर्मा हेयर, बट पीपल वर ईगरली वेटिंग फॉर राहुल गांधी हेयर from Amethi, and they clearly declared that if Rahul Gandhi were fielded here from Amethi, then he can already give a tough fight to Bharatiya Janata Party candidate Smriti Irani. We have some more people with us. Bhaiya, aapse baat karenge. Amethi
अमेठी से ही वोटर हैं आप? नहीं नहीं, हम इलाहाबाद के हैं। आप अमेठी से ही वोटर हैं? जी। आप तो लेट्स अगेन भैया आपसे बात करूंगी, अमेठी से ही वोटर हैं? राय, क्योंकि देखिए जब अमेठी की बात होती है तो रायबरेली की बात होती है। आप इनको For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.